This is your question number 5, exercise 7.2. ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base BC. आपको ये दो triangles given हैं जिनका base same है BC. तो ये हमने ले ली sides BC और triangles हमें given है ABC and DBC. Isosceles triangles given है तो it means AB और AC आपकी equal होंगी. And in the same way, DB and DC will be equal. ये sides आपकी equal हो गई. उसके बाद वो कह रहा है हमें show that angle ABD is equal to angle ACD. We are to show that this full angle is equal to this full angle ACD. So given लिख लोगे सबसे पहले given है हमें triangle ABC isosceles given है in which AB is equal to AC then the second isosceles triangle DBC In which we are given BD is equal to BC. Common base इनका BC था, तो common base हमने इनका BC ले लिया. Now we are to prove angle ABD is equal to angle ACD. चलिए मैं hint देती हूँ, you will try this yourself. हमें triangle ABC में AB और AC sides equal given है. Yes दिया. मैम इन ट्रायंगल एबीसी एंड डीबीसी साइड एबी इज इक्वल टू डीबी गिवन एसी इज इक्वल टू डीसी नो 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 दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल बच्चे एबी इज इक्वल टू एसी गिवन एंड इन ट्रायंगल डीबीसी दिस साइड इज इक्वल टू दिस ये आपस में इक्वल नहीं गिवन है ओके पहले इस वाले ट्रायंगल में लगाओ यू आर गिवन दिस साइड ए बी इक्वल टू ए सी सो व्हाट विल यू हैव साइड ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड साइड बी इन ट्रायंगल डी बी सी साइड डी बी इज इक्वल टू डी सी यस तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी रूल नहीं लगा सकते आप क्योंकि एक ही ट्रायंगल में इसकी साइड्स इक्वल हैं इसकी साइड्स इक्वल हैं तो हमारा कॉन्ग्रुएंसी रूल नहीं लगेगा आपने यहाँ क्या कंसेप्ट लगाना है एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल आई हैव गिवन यू अ हिंट नाउ यू कैन ट्राई ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है तो इनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे यानी कि दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल एंगल वन इक्वल टू एंगल टू हो गया सेम वे में डी बी इक्वल टू डी सी आपको गिवन है तो आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर अब एंगल वन टू के इक्वल है थ्री फोर के इक्वल है अगर आप इनको ऐड कर दोगे दोनों को तो वन प्लस थ्री इज इक्वल टू टू प्लस फोर वन प्लस थ्री ये पूरा एंगल बन रहा है टू प्लस फोर ये पूरा एंगल बन रहा है तो हमने इनको प्रूव कर दिया दैट दीज एंगल्स आर इक्वल आई होप दिस वन इज क्लियर So, let us write down the proof in triangle ABC. यहाँ पे congruency नहीं लगेगा ठीक है ये ध्यान रखना है आपने क्योंकि मुझे isosceles triangle given है तो isosceles triangle के accordingly AB AC के equal होगा एक ही triangle की sides जो हैं वो आपस में equal होंगी any two sides of this triangle will be equal. Same way में any two sides of this triangle will be equal. अब ट्राइंगल ए बी सी में वी आर गिवन ए बी जो है दैट इज इक्वल टू ए सी तो यहाँ पे आप ए बी इक्वल टू ए सी ले लोगे ए बी इक्वल टू ए सी क्या इम्प्लाई करेगा एंगल टू इज इक्वल टू एंगल वन यहाँ पे रीजन मेंशन कर दोगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल सेम वे में इसको ले लो इक्वेशन नंबर वन इन ट्राइंगल डीबीसी
BD is equal to CD. So this implies that angle 3, angle 4, BD ke opposite aapka angle 4 hai. This is equal to angle 3. Let this be your equation number 2. Same reason you will mention here, angles opposite to equal sides are equal. So, वन और टू को आप एड करोगे, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू. एंगल फोर, टू प्लस एंगल फोर. यहां ध्यान रखना है बच्चे, ये पूरा एंगल जो है ये किससे बन रहा है, टू और फोर से. तो टू और फोर को एक साइड पे रखना, ये पूरा एंगल वन और थ्री से बन रहा है तो वन और थ्री को एक साइड पे रखना. तो 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 1 प्लस 3, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड्स अगर इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगे. और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट अगर एंगल 2 इक्वल टू 1 था तो इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, ये दोनों ऑलरेडी इक्वल थे, ये दोनों भी इक्वल हैं, इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, देन द होल्स आर इक्वल. सो 2 प्लस 4 जो है दैट इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3. 2 प्लस 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एसीडी को. 1 प्लस 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी डी को. तो ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी एंड दिस वी वर टू प्रूव. सो लास्ट में आप लिख देंगे हेंस प्रूव. सी दिस वंस अगेन. क्वेश्चन में हमें गिवन है टू ट्राइंगल्स गिवन है, ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस बी सी. ये बेस बी सी हमने सेम ले लिया, आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं तो ए बी इक्वल टू ए सी हो गया एंड डी बी इक्वल टू डी सी हो गया. ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए ही मैंने ये वाला ट्राइंगल आपका बड़ा लिया है, ये वाला ट्राइंगल आपका छोटा लिया है. अब क्योंकि इनकी ओपोजिट ट्राइंगल ए बी सी पे कंसेंट्रेट करो पहले, सिंस द ओपोजिट साइड्स आर इक्वल तो इनके जो ओपोजिट एंगल्स हैं दे विल ऑल्सो बी इक्वल. ए बी के ओपोजिट एंगल टू, ए सी के अपोजिट एंगल वन, तो एंगल टू इज इक्वल टू एंगल वन. ये हो गया हमारा. सेकेंडली हमने लिया ट्राइंगल यहाँ पे डी सी बी या डी बी सी यू कैन से. इसमें डी बी इज इक्वल टू डी सी हमें गिवन है बिकॉज अगेन दिस वॉज द आइसोसेलेस ट्राइंगल. सो डी बी के अपोजिट एंगल फोर, डी सी के अपोजिट एंगल थ्री, तो एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल थ्री. दिस इज योर एंगल थ्री. अब इनको एड किया तो टू प्लस फोर इज इक्वल टू वन प्लस थ्री. 2 प्लस 4 आपका रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल ए सी डी को, 1 प्लस 3 आपका रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल ए बी डी को. सो दीज टू एंगल्स आर इक्वल, यही चीज हमें प्रूव करनी थी एंड इन दिस वे वी हैव प्रूव्ड दिस. नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इसको नोट डाउन कर लो, आफ्टर दिस वी विल डू क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6 is an important question, so you have to do this carefully. In question number 6, we are given triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. तो ये triangle given है हमें, जिसमें AB equal to AC मुझे given. यानी कि ये दोनों sides equal given है. After this he is saying side BA is produced to D. अब यहाँ ध्यान देना, side BA is produced. तो इधर की तरफ produce करोगे, B से ए की तरफ प्रोड्यूस करोगे, इधर प्रोड्यूस नहीं करना. तो फिगर नहीं भी गिवन है देन ऑल्सो यू कैन मेक साइड बी ए इज प्रोड्यूस. तो ये बी ए इज प्रोड्यूस, ये मैंने प्रोड्यूस कर दी अप टू पॉइंट डी. डी पॉइंट तक इसको प्रोड्यूस किया गया सच दैट ए डी इज इक्वल टू ए बी, कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे. तो दिस इज पॉइंट डी. उसके बाद वो कह रहे हैं शो दैट एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल. तो हमें एंगल बी सी डी राइट एंगल शो करना है.
सो दिस विल बी योर फिगर. दोबारा देख लो इसको. वी आर गिवन अ ट्राइंगल ए बी सी विच इज आइसोसेलेस ट्राइंगल विद ए बी इक्वल टू ए सी. उसके बाद साइड बी ए इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट डी सच दैट ए बी इज इक्वल टू ए डी एंड वी आर टू शो दैट दिस एंगल बी सी डी इज 90 degrees. इस एंगल को हमें 90 degrees शो करना है. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को, इस वाले ट्राइंगल में इन दोनों के साइड्स के अकॉर्डिंगली चलते हैं, फिर इनके अकॉर्डिंगली चलते हैं एंड देन वी विल प्रोड्यूस प्रोसीड. सबसे पहले हम ट्राइंगल ए बी सी लेते हैं. ए बी सी, इस ट्राइंगल में मुझे ए बी इक्वल टू ए सी गिवन. अब इस ट्राइंगल में क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो इसके जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे ये दोनों एंगल्स क्या आ जाएंगे आपके, इक्वल. उसके बाद हम ट्राइंगल लेंगे ए बी सी, ये वाले, इसको छोड़ दो. अब हमने ये वाली ट्राइंगल ले ली. अब अगेन इस ट्राइंगल में ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो इनके जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे ये वाला और ये वाला, ये दोनों इक्वल आ जाएंगे. यानी कि अगर मैं इनकी नेमिंग दे दूं 1, 2, 3 and 4, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है. ये मैं शो कर चुकी हूँ. 1, 2 इससे शो किया, 3, 4 इससे शो किया. अब हम लेके चलेंगे ट्राइंगल डी बी सी. दिस इज योर डी पॉइंट. तो ट्राइंगल डी बी सी में अब मुझे यहाँ पे क्या गिवन है, तीनों एंगल्स का सम मुझे पता है, दैट इज इक्वल टू 180 degrees. तो तीनों एंगल्स में देखो, अगर मैं इनको लिखूंगी तो 1, 4, 2 plus 3. अब यहां से क्या आएगा, 1 किसके इक्वल है, 2 के. तो 1 को मैं रिप्लेस कर देती हूँ 2 से. दिस इज इक्वल टू 180. 1 को मैंने रिप्लेस किया 2 से और 4 को रिप्लेस किया 3 से. अब ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3, 180 आ गया. तो एंगल 2 प्लस 3 क्या आ जाएगा, 90 degrees. यानी कि ये एंगल मेरा शो हो गया 90 degrees और यही मुझे करना था. सो ये मेथड है हमारा करने का. लेट्स डू दिस नाउ. सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे. गिवन में हमें गिवन है ट्राइंगल एबीसी इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी. उसके बाद सेकंड जो है वो कंडीशन हमें क्या गिवन है कि ए बी को, बी ए को प्रोड्यूस किया गया इस तरीके से डी तक कि आपका जो साइड बी ए है दैट इज इक्वल टू बी डी. साइड बी ए इज प्रोड्यूस्ड टू डी सच दैट बी ए इज इक्वल टू ए डी. टू प्रूफ में क्या आएगा, एंगल हमें शो करना है दैट एंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल. तो एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 90, ये हमें शो करना है. चलिए अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक ट्राइंगल ए बी सी. सो इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, दिस इज गिवन. तो ये एंगल 1 एंड एंगल 2, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. अदरवाइज यू कैन गिव द नेम ऑल्सो. यहाँ रीजन आ जाएगा आपका एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स. आर इक्वल, लेट दिस बी योर इक्वेशन नंबर 1. इन द सेम वे नाउ वी विल टेक दिस ट्राइंगल ए सी डी. सो इन ट्राइंगल ए सी डी, अब इस ट्राइंगल ए सी डी में वी आर गिवन ए सी इज इक्वल टू
इसमें पहले आपको मेंशन करना पड़ेगा ए बी इक्वल टू ए डी है, ए बी इक्वल टू ए सी है, तो थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अब ट्राइंगल ए सी डी से पहले आप लिखोगे यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू ए डी, इसको ले लो स्टार, इसको ले लो टू, तो फ्रॉम स्टार एंड टू ए बी ए सी इज इक्वल टू ए डी। अब ए सी इक्वल टू ए डी है तो इन ट्राइंगल ए सी डी एस ए सी इज इक्वल टू ए डी, देयरफॉर एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर। और ये हम एंगल्स मेंशन कर देंगे यहाँ पे, दिस विल बी एंगल थ्री एंड दिस इज योर एंगल फोर। सो एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर, सेम रीजन यहाँ पे मेंशन कर दोगे, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। लेट दिस बी योर इक्वेशन नंबर फोर। अब हमने इक्वेशन वन और इक्वेशन टू, या तो आप इनको भी ऐड कर सकते हो, बट इनको हम यूज करेंगे आगे, हम लेके चलेंगे ट्राइंगल डीसीबी में, हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। सो इन ट्राइंगल डीसीबी यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल ए बी प्लस सी प्लस बी इज 180 डिग्री। अब एंगल बी किससे रिप्रेजेंट हो रहा है आपका, वन से, सी रिप्रेजेंट हो रहा है टू प्लस थ्री से, और डी रिप्रेजेंट हो रहा है आपका फोर से, तो इन चारों का सम 180। अब यहां ध्यान दो, मुझे किसको शो करना है 90 डिग्री, मुझे टू प्लस थ्री को शो करना है 90 डिग्री। इट मीन्स वन और फोर को मैं टू और थ्री से रिप्लेस करूंगे, तो वन को हम रिप्लेस करेंगे टू से और फोर को हम रिप्लेस करेंगे थ्री से यूजिंग इक्वेशन वन एंड फोर। तो यहां जब आप रिप्लेसमेंट करोगे तो यू विल बी हैविंग एंगल टू प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल फोर इज इक्वल टू 180। यहां लिख दोगे यूजिंग वन एंड फोर, इक्वेशन वन और फोर को यूज किया हमने, तो एंगल वन रिप्लेस हो गया आपका टू से और एंगल थ्री रिप्लेस हो गया आपका, एंगल फोर रिप्लेस हो गया थ्री से। अब ये दोनों जब आपने ऐड किया तो ट्वाइस ऑफ एंगल टू प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल थ्री इज इक्वल टू 180। टू कॉमन ले लिया, एंगल टू प्लस एंगल थ्री इज 180, टू उधर जाके डिवाइड करेगा, तो एंगल टू प्लस एंगल थ्री इज 180 बाय टू, दैट इज 90 डिग्री। एंगल टू प्लस एंगल थ्री किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बीसीडी को, सो यही चीज आपको प्रूव करनी थी, दैट एंगल बीसीडी इज अ राइट एंगल। तो लास्ट में आप लिख दोगे हेंस प्रूव। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर सिक्स, एक्सरसाइज 7.2। सो इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क द डाउट। आई होप यू वुड हैव नोटेड इट डाउन। ओके फाइन, so moving on to question number 7 now. This is a quite easy question, you can also tell me this question. Question number 7 mein we are given ABC is a right angle triangle in which angle A is 90 degree. ABC ek triangle given hai mujhe
जिसमें एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है एंड ए बी इक्वल टू ए सी है, तो हमें फाइंड करने हैं एंगल बी एंड एंगल सी। तो आप एक राइट ट्राइंगल बना लो, राइट एंगल्ड एट ए दोनों में से किसी भी साइड आप बी ले लो या सी ले लो। अब यहाँ पे हमें एंगल्स फाइंड आउट करने हैं बी एंड सी। ए मुझे 90 डिग्री गिवन है, बी और सी मुझे निकालना है, और मुझे ये पता है कि राइट ट्राइंगल में जो मेरे एक्यूट एंगल्स होते हैं उनका सम भी 90 डिग्री होता है। यानी कि अगर एंगल ए मुझे यहाँ पे 90 डिग्री गिवन है तो बी प्लस सी जो है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम जो है गिवन ले लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, वी आर गिवन एंगल ए 90 डिग्री एंड ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी। नाउ वी हैव टू फाइंड एंगल बी एंड सी। अब यहाँ पे सॉल्यूशन हम इसका दे देंगे, प्रूफ नहीं लिखोगे क्योंकि आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो आई एम जस्ट राइटिंग दिस वर्ड एज सॉल्यूशन। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो दिस इंप्लाइज एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हो गए आपके। नाउ यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी using angle sum property in triangle ABC, angle A plus B plus angle C is 180 degree, A 90 given है, B और C दोनों equal given है, तो मैंने C को replace कर दिया B से using 1, ये 90 उधर जाके minus हो जाएगा। So on the left hand side I am having twice of angle B that is equal to 90 degree. So angle B यहाँ से आ जाएगा आपका 45 degrees. Angle B 45 आ गया और BC के equal given है, तो C भी आपका क्या आ जाएगा 45 degree. So this was your question number 7, quite an easy one. कुछ भी इसमें difficult नहीं था, हमने simple concept लगाया है, angles opposite to equal sides are equal. और उसके बाद हमने angle sum property लगा दी. So this was your question number 7. If any doubt is there, then you can ask. Now moving on to question number 8. Again, this is a very simple question. Show that the angles of an equilateral triangle are 60 degree each. अब 8 question में हमें equilateral triangle given है. हमें show करना है कि इसके जितने भी sides हैं, मतलब वो equal हैं, क्योंकि ये equilateral triangle है. तो हम क्या करेंगे, एक गिवन में लिखेंगे कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें गिवन है, टू प्रूफ में एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी ऑल 60 डिग्री, और उसके बाद हम प्रूफ लेंगे यूजिंग दिस सेम कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, और उसके बाद हम एंगल सम प्रॉपर्टी से उसको शो कर देंगे दैट ईच एंगल इज 60 डिग्री। तो गिवन में आप लिखोगे ट्राइंगल एबीसी, या सीधा आप लिख सकते हो एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी दैट इज ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए। To prove
एंगल ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी 60 डिग्री. हमें प्रूव करना है दैट ऑल द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री. अब आप प्रूफ ले लोगे इन ट्राइंगल ए बी सी. ए बी इज इक्वल टू बी सी, बी सी इज इक्वल टू सी ए, और थर्ड ले लो सी ए इज इक्वल टू ए बी. अब क्योंकि ए बी जो है वो बी सी के इक्वल आपको गिवन है, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल गिवन है, तो इनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे. तो आप चाहो तो इनको नेम भी दे सकते हो. मैं डायरेक्ट ले रही हूँ एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी. एक सेकेंड, मैंने यहाँ लिया है ए बी इक्वल टू बी सी, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड लिए. तो अकॉर्डिंग टू दिस ये एंगल और ये एंगल आप इक्वल लोगे. एंगल ए इज इक्वल टू ए बी में आपका आएगा एंगल सी और बी सी में आएगा यहाँ पे एंगल ए. यहाँ ध्यान रखना ए बी साइड है तो अपोजिट एंगल सी, बी सी साइड है तो अपोजिट एंगल ए. जो भी वर्टेक्स मिसिंग है तो एंगल का वो एंगल ले. बी सी इक्वल टू सी ए, बी सी साइड है तो एंगल ए आ जाएगा इसके ऑपोजिट, ए सी साइड है तो इसके ऑपोजिट एंगल बी आ जाएगा. ए बी साइड है तो इसके ऑपोजिट एंगल सी, ए सी साइड है तो इसके ऑपोजिट एंगल बी. तो एंगल वन ए इक्वल टू सी, ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी. फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन. फर्स्ट सेकेंड थर्ड इक्वेशन हमारी क्या कह रही है कि ए बी के इक्वल, बी सी के इक्वल, सी ए के इक्वल. तो इट मीन्स कि तीनों एंगल्स आपस में क्या है इक्वल है. तो इक्वेशंस 1, 2 and 3 इम्प्लाइज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी. यहाँ रीजन मेंशन कर देना बच्चे, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. अब इन यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल एबीसी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री. बी और सी को भी मैं ए से रिप्लेस कर दूंगी. आप किसी भी एक एंगल से रिप्लेस कर सकते हो, चाहे बी को ए को सी से रिप्लेस करो, चाहे ए और सी को बी से रिप्लेस करो, चाहे बी और सी को ए से रिप्लेस करो. तीनों एंगल्स लेके आप चल सकते हो. सो दिस विल बी थ्राइस ऑफ एंगल ए 180 डिग्री, यानी कि एंगल ए इज 60 डिग्री. अब एंगल ए 60 है तो इट मींस कि सभी एंगल्स आपके इक्वल टू 60 डिग्री होंगे. तो दिस इंप्लाइज एंगल बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 60 डिग्री. सो एंगल बी और सी भी 60 हो गए. तो लास्ट में आप लिख दोगे एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच. क्वेश्चन में से ही लिखोगे या एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर ऑफ 60 डिग्री ईच. हर एंगल आपका क्या हो जाएगा 60 डिग्री. सो दिस वॉज योर एक्सरसाइज 7.2. इफ एनी डाउट इज देयर देन यू कैन आस्क. स्टिल वी आर हैविंग 3 मिनट्स, तो इफ एनी काइंड ऑफ डाउट इज देयर यू कैन आस्क. Your homework parts, question number 6, question number 8, even parts 2, 4, 6, 8, जिनको कल परसों का homework नहीं पता. So question number 2, 4, 6 and
8. After this, जो हमारी exercise 7.3 है, that we will start with the on Monday, because now only 2 minutes are left, so I won't be able to complete that. So मैं आपको एक review दे देती हूँ इसका.